Hey darlings, welcome to my channel Mysticism by Purba। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आप सबके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। और आज हम देखेंगे कि आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से कैसे प्यार पा सकते हैं, वो भी बहुत ईजी मेथड्स के ज़रिए। तो ये जो मेथड मैं आप सबको बताऊंगी, इस मेथड को यूज़ करने से आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके 110% रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बट हाँ, इसमें आपको चेंजेस दिखने में या रिज़ल्ट मिलने में टाइम लगेगा। तो आप इसमें इंस्टेंट रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट इंस्टेंट वर्क इसका स्टार्ट ज़रूर हो जाएगा, जो कि धीरे 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 इन्हेंसमेंट तक जाएगा, देन आपको एक परमानेंट रिजल्ट दे देगा। तो आज हम बात करेंगे एंड आज हम टेक्निक देखेंगे स्विच वर्ड की। तो स्विच वर्ड्स के दो तरीके मैं आज आपको बताऊंगी, जो भी आपको इजी लगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप उन दोनों में से कोई भी टेक्निक को कर सकते हैं। रिजल्ट्स जो है वो सिमिलर ही आपको मिल सकते हैं, कम ज़्यादा डिपेंड आपके एनर्जी में करेगा, चाहे आप कोई भी टेक्निक अप्लाई करो। ओके, सो कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहला रूल ये है कि आप अपने इंटेंशंस को फिक्स कीजिए कि आप किस स्पेसिफिक पर्सन से इस स्विच वर्ड्स के थ्रू लव पाना चाहते हैं या लव चाहते हैं। ठीक है, एक टाइम पे एक ही पर्सन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लवर के लिए ही कर सकते हो या पार्टनर के लिए कर सकते हो, ये आप अपने फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड से या किसी और से भी लव एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाहे वो प्लेटोनिक लव हो, रोमांटिक लव हो, और इवन नॉर्मल वाला लव जो कि फ्रेंड्स फैमिली के बीच में होता है। ठीक है, बट जनरली लोग जो हैं लव रिलेशनशिप एंड पार्टनर से लव एक्सपेक्ट करते हैं एंड चाहते हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा फोकस करूँगी आज। बट आप ये दोनों टेक्निक किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप एट अ टाइम एक ही पर्सन पे फोकस करके ये स्विच वर्ड को यूज़ करो, ताकि आपको रिजल्ट भी दिखे और चीज़ें जो हैं वो मेस्डअप ना हो जाए। ठीक है, सेकेंड चीज़ है, आपको अपने इंटेंशंस को फिक्स तो करना है, लेकिन अपने इंटेंशंस को प्योर भी रखना है। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो जेन्युइन हैं, आप जिनसे प्यार चाहते हो वो भी जेन्युइन लव है आपका, एंड आपके दिल में कोई इल एनर्जीज, इल थॉट्स नहीं है। ओके, एंड थर्ड, आपको बिलीव करना पड़ेगा इस टेक्निक को करने से पहले कि येस इट विल वर्क नो मैटर वॉट। ठीक है, ना ही आपको डिपेंड होना है इस टेक्निक पे और ना ही इस टेक्निक पे आपको डाउट करना है। आपको जस्ट बिलीव करना है कि येस यू आर डूइंग इट एंड इट विल गिव यू रिजल्ट्स नो मैटर व्हाट। आप जितने कॉन्फिडेंट होगे दिल से, उतने जल्दी आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। एंड फोर्थ जो रूल है वो ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, जब आप रेगुलरली इस टेक्निक को करेंगे तो बहुत बार हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा इसमें, तो इतने डेज है। बट अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो ट्राई करें कि आप इसे एक भी दिन मिस ना करें और कंसिस्टेंट रहे और अपने बिलीफ सिस्टम को भी कंसिस्टेंट वे में ही रखें। बिल्कुल माइंड में नेगेटिव थाट्स नहीं आने चाहिए जब तक ये टेक्निक कम्प्लीट नहीं हो जाता तब तक। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइटिंग मेथड मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि उसी से मैं सेकंड टेक्निक भी इजीली आप सबको एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो उसके लिए आपको ले लेना है एक क्लीन नोटबुक, कोई भी कॉपी नोटबुक, डायरी आप ले लीजिए, फ्रेश डायरी, फ्रेश नोटबुक जो आपके पास अवेलेबल हो, या आप परचेस कर सकते हो बाहर से, ले लीजिए, क्योंकि ये लंबे टाइम के लिए आपको थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। ओके, और जो आप लिखेंगे, मैं पहले लिख लेती हूँ फिर मैं आप सबको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये आपके स्विच वर्ड है, लव माइंड ओनली फॉर एवर क्लियर डिवाइन। ठीक है,
तो ये जो स्विच वर्ड है हिंदी में बता देती हूँ, लव मतलब प्रेम प्यार, माइंड मीन्स मेरा, ओनली मतलब सिर्फ, फॉरएवर मतलब हमेशा, क्लियर मतलब साफ, ठीक है या साफ, एंड डिवाइन मतलब हमारा जो यूनिवर्स है डिवाइन है, ठीक है। सो ये स्विच वर्ड है, ये लिखते टाइम आपको माइंड में रखना है जिस भी पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लव को बेसिकली, एंड उसके बाद आपको एक कोड लिखना है। मैं स्विच वर्ड तो दे ही रही हूँ, साथ में आप सबके लिए मैं एक स्पेशल कोड दे रही हूँ जिसको अगर आप फर्स्ट टेक्निक अप्लाई कर रहे हो राइटिंग टेक्निक तो ज़रूर आप उसे अपनाइएगा, वो है एट फोर नाइन वन। ये कोड है, ये कोड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिकल कोड है। तो जब आप लिखेंगे तो फर्स्ट मेथड राइटिंग वाला है कि आप फ्रेश पेज निकालेंगे हर एक दिन आपका एक फिक्स टाइमिंग होना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ कौन सी टाइमिंग होगी, आप या तो अर्ली मॉर्निंग में कर सकते हैं या फिर सनसेट के बाद, ओके टाइमिंग आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली अगर आप आज 7 बजे कर रहे हो शाम के, तो आपको नेक्स्ट डे भी 7 बजे के करीब या 7 बजे फिक्स अगर करोगे तो और भी अच्छा है, 7 बजे के आसपास आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा टाइम निकालना जहाँ पे आपको याद भी रहे, आप फ्री भी रहो और आप डेली एक टाइम पैटर्न कंटिन्यू कर पाओ, बिकॉज़ आपको ये जो आप ये करने वाले हो ये आपको 47 डेज के लिए कंटिन्यूसली हर एक दिन करना है, ठीक है, और एक ही टाइमिंग में करने की कोशिश करनी है। तो हर एक पेज आप पेज पलटोगे, सेम चीज़ लिखोगे, इंटेंशंस को फोकस करते हुए ये कोड लिखोगे और इसे आप 47 डेज़ के लिए करोगे। इनकेस अगर आपको लिखने में दिक्कत है, आपके पास उतना वक्त नहीं है, तो आप सेकंड टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे कि किसी भी टाइम में आप जब फ्री रहोगे, क्लीन रहोगे, तब आप अर्ली मॉर्निंग में या फिर सनसेट के बाद कर सकते हो। उसमें भी आप सेम चीज़ को कहोगे, ठीक है, जिससे आपको अपने कानों तक सुनाई दे, वो है लव माइन ओनली फॉर एवर क्लियर डिवाइन, ठीक है। और इसे भी आप जो है 7 टाइम्स लगातार बोलोगे फॉर 47 डेज, और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पैटर्न को आपको फॉलो करना है। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप फिर से वीडियो को सुनिए, आपको ज़रूर क्लैरिटी मिल जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट होता है तो वो भी पूछ सकते हो। जैसे ही 47 डेज आपके हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट 47 डेज में जो जिस भी भगवान पे, एंजल पे आप ट्रस्ट करते हो, उनको ग्रैटिट्यूड, उनको प्रणाम करना है बेसिकली। और अगर आप लिख रहे हो तो भी लास्ट पेज में आपको थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग करके नोटबुक को बंद कर दीजिए और किसी अच्छी जगह पे जहाँ पे आपके कॉपी किताब रहते हैं या जहाँ पे आपके शेल्फ्स हैं वहाँ पे आप रख सकते हो। आपको इसे बर्न करने की, फेंकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ईजी टेक्निक है जिसे आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। 21 डेज़ अगर आप लगातार करते हैं, 21 डेज़ बाद से ही आपको जो पॉजिटिव चेंज, जो लव चाहिए वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा और उसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। लेकिन 21 डेज़ बाद से ज़रूर आप एक पॉजिटिव चेंज अपने लव लाइफ में या फिर जहाँ जिससे भी आपको प्यार चाहिए उनके अंदर वो लव आपके प्रति नज़र आएगा आपको डेफिनेटली। सो 47 डेज़ तक रेगुलरली, चाहे दोनों में से आप कोई भी एक टेक्निक करें, बट कंसिस्टेंट वे में करने की कोशिश करें विथ फुल फेथ, 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की वीडियो, आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है ज़रूर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे यूज़ कर पाए, ओके। लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।